राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा आयोजित किया गया तीज कार्यक्रम। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति लखनऊ शाखा ने रॉयल कैफे में तीज के रंगारंग कार्यक्रम को आयोजित किया। तीज कार्यक्रम की थीम थी ये रिश्ता क्या कहलाता है। मंच का संचालन समिति की सचिव शालिनी सिंघल और उनके साथ विपुला अग्रवाल ने बड़े ही शानदार तरीके से किया और कार्यक्रम का समा बांधे रखा। कार्यक्रम में नृत्य की प्रस्तुतियां रिश्तों की थीम पर की गई, जैसे सास बहू, भाई बहन, देवरानी जेठानी, पति पत्नी आदि की मनमोहक और शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही मज़ेदार हास्य नाटिका कोषाध्यक्ष अनुराधा बंसल के द्वारा की गई। इसके साथ ही सभी महिलाओं को गीता भी वितरित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित समिति की अध्यक्ष रेखा लाठ, सचिव शालिनी सिंगल, कोषाध्यक्ष अनुराधा बंसल के साथ 60 से अधिक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हम लोगों ने रिश्ता क्या कहलाता है, इसका एक रखा हुआ है, उसमें रिश्तों के हिसाब से हम लोगों ने डांस और ये सब कार्यक्रम किया। अब मेरी सचिव शालिनी सिंघल, हम कितने सालों से ये आयोजन करा रहे हैं? हम लोग का तकरीबन 2.5 साल हो गया है संस्था को बने हुए, और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों से स्टार्ट करा था और आज हम लोग 18 मेंबर्स हैं। मैम, आपकी की तरफ से और क्या क्या कार्य किए जाते हैं महिलाओं के लिए? हम लोग सारे ही गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने संस्था स्टार्ट करी है, जैसे कि गरीब बच्चे हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और जच्चा बच्चा अस्पताल है राजा जीपुरम में, हम लोगों ने वो हॉस्पिटल अडॉप्ट किया हुआ है और हर महीने की फर्स्ट वीक में जाके वहाँ जितने बच्चे पैदा हुए तो सबको हम लोग अपनी तरफ से किट्स देते हैं और जो जच्चा होती है उसको फल और कुछ उसके ज़रूरत के सामान देते हैं। मैं अनुराधा बंसल अपने समिति की ट्रेजरर हूँ, और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट जी ने बताया कि आज का टॉपिक है ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसा कि रिश्तों की कड़ियाँ आजकल बहुत समाज में छोटी होती जा रही हैं, उसी को ध्यान में करते हुए हम लोगों ने ये टॉपिक रखा और हमारी बहनों के द्वारा प्रस्तुति इतनी अच्छी रही कि मतलब तबीयत हम लोगों की खुश हो गई, और आप लोग भी देखा ही आप लोगों ने कि बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन उसका हुआ। जैसा आपने पूछा, समय समय पर हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट, महीने में 4 और 5 प्रोजेक्ट हो जाते हैं हमारे गरीबों की सहायता। जैसा हमारी सिंघल ने बताया कि एक अडॉप्ट कर रखा है हमने, जिसमें सब महीने महीने तो हम लोग करते ही हैं। उसके अलावा हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम लोगों ने कंप्यूटर दिया है एंड एसी दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो महिलाएं बर्थ बच्चा पैदा करती हैं उन बहुत गर्मी में थी, तो उसको देखते हुए प्लस उस हॉस्पिटल में कंप्यूटर नहीं था, उनको हिसाब रखने में बड़ा मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने वो भी बांटा। प्लस टीबी के मरीजों को हम लोगों ने 36 मेंबर्स को जो डॉक्टर्स ने कहा उसकी एक इतनी बड़ी पोटली बना करके हम लोगों ने उसमें टेबलेट्स के साथ हम लोगों ने वो दिया। समय समय पर हम लोग बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करते रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय समिति का यही है कि हम लोग
अच्छे से गरीबों की सहायता करें, गरीब महिलाओं की सहायता करें। और दो साल का, जैसे हमारी सेक्रेटरी जी ने बताया कि कुल 2.5 साल का बच्चा है हमारा समिति, लेकिन इस 2.5 सालों में पूरे आप लोगों की कृपा से लखनऊ में नाम हम कमा रहे हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम तो यही देना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने को बहुत सशक्त बनाएं, और आजकल नारी सशक्तिकरण का ज़्यादा रिवाज है, तो अपने हिसाब से अच्छी तरह से पढ़ें लिखें और अपने सारे जो वो पोषक तत्व हैं वो खाएं, ये जो भी करना चाहें अच्छी तरह। हम क्या बोलूँ, जैसा कि अभी हम कह रहे थे सशक्तिकरण की बात आपने की, इसी को देखते हुए हमने आज स्टॉल लगवाया है। स्टॉल में वो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उसको देखते हुए हमने महिला सशक्तिकरण का ये प्रोजेक्ट रखा कि महिलाएं बाहर निकलें और अपनी स्टॉल लगाएं, क्योंकि थोड़ा संकोच करती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मेरा आज का ध्येय जो था गीता वितरण, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा रेखा लाठ के द्वारा भागवत गीता की जा रही है। लाओ बेटा गीता पकड़ाओ, गीता हम लोग पूरे अपने समिति को बांट रहे हैं, ताकि धर्म का प्रचार करना इस समय बहुत जरूरी है। एक फोटो कर दें, न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।